सनी देओल की फिल्म गदर 2 ने थिएटर्स में अपने नाम का झंडा गाड़ दिया है। 8 दिन में ही फिल्म ने 300 करोड़ का पहाड़ जैसा आंकड़ा बड़े आराम से पार कर लिया। दूसरे हफ्ते में भी फिल्म की कमाई पर बहुत असर नहीं पड़ता नजर आ रहा है। शुक्रवार से एक बार फिर इसकी कमाई बढ़ने लगी है। गदर 2 की धमाकेदार कमाई में हर दिन बॉलीवुड के कुछ रिकॉर्ड तबाह हो रहे हैं। पिछले शुक्रवार तूफानी अंदाज में थिएटर्स में पहुंची इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जैसे कब्जा ही कर लिया है। पहले एक हफ्ते फिल्म ऐसी धुआंधार कमाई कर डाली है कि हर दिन इसकी कमाई लोगों को हैरान कर रही है। डायरेक्टर अनिल शर्मा की गदर जब 2001 में रिलीज हुई थी तो इसने लगभग हर पुराने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया था। जनता के प्यार ने फिल्म की ऐसी कमाई दिलाई कि जो उस समय लोगों ने सुनी भी नहीं थी। अब गदर 2 भी कुछ ऐसा ही करने के लिए तैयार नजर आ रही है। 8वें दिन फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर जंप मिला। इस जंप से न सिर्फ एक बड़ा बॉक्स ऑफिस लैंडमार्क पार हुआ बल्कि इस स्पीड से पार हुआ कि शायद ही किसी ने सोचा होगा। गदर 2 पहुंची 300 करोड़ पार। पहले हफ्ते में ही 284 करोड़ रुपए से थोड़ा ज्यादा कलेक्शन कर चुकी गदर 2 ने दूसरे हफ्ते की शुरुआत भी सॉलिड अंदाज में की। दूसरे शुक्रवार को एक बार फिर से फिल्म की कमाई में जंप आया। ट्रेड्स रिपोर्ट्स का इशारा साफ कहता है कि फिल्म ने दूसरे शुक्रवार को 20.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है। अब 8 दिन में फिल्म का कलेक्शन 305 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। सनी देओल के लिए गदर 2 हर दिन बड़ी फिल्म बनती जा रही है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।